हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों ने इस रीडिंग पर, इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो यकीन मानिए इस रीडिंग में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। तो अपनी रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। एंड ये रीडिंग आपके जोडिक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि, तो देख लेते हैं आने वाला वीक कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले ही हमारे पास रथ का कार्ड यहाँ पर आ गया है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। डेथ का कार्ड आया है एंड इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि डेथ का कार्ड हमारे लाइफ में चेंजेस को लेकर आता है, चेंजेस को दर्शाता है। क्या हो रहा है गाइस आपकी लाइफ में, इतना क्यों उथल पुथल मची पड़ी है? मुझे लगता है आपकी लाइफ, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड यहाँ पर आपसे स्ट्रेंथ बनाकर रहने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो आपकी फैमिली में या फिर आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, हो सकता है आपके फैमिली में कोई हो जिन जो लोगों की हेल्थ ठीक नहीं हो। एंड यस, इसलिए मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना हैवी फील कर रही थी। कुछ चेंजेस आ रही हैं आप लोगों के लाइफ में एंड जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है, तो आप लोगों को हील करना चाहिए। मतलब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एंड कुछ लोगों को रीकी हीलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, तो रीकी हीलर्स के पास आप लोग जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डिवाइन आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी जिस भी सिचुएशन में, जिस भी प्रॉब्लम में आप लोग हैं, उनसे आप लोग बाहर निकल पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको हीलिंग, हर तरह से हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है इस वीक आप लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी बर्डन का यहाँ पर सामना करना पड़े। आप लोगों को लग सकता है कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया है अचानक से, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आपके कंधों पर काफ़ी ज़्यादा भार आते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग काफ़ी थका थका भी महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर कि अपनी बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको किसी तरह की चोट वगैरह लगी है तो आपको उसको ध्यान देना है एंड इग्नोर नहीं करना है अपनी बॉडी को। अगर आपके बॉडी में कुछ पेन है तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ख़ासतौर से अगर आपके पास आपके बॉडी में कमर का दर्द रहता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। एंड यहाँ पर डिवाइन आपसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, तो उससे आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे और जो भी हो रहा है आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो डिवाइन पर यहाँ पर ट्रस्ट करना है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके, चेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, अगर कोई जॉब लॉस हो रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले वीक में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ एंड ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू योर करियर लाइफ। एंड आपका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, बट ये वर्कलोड जो भी है आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा एंड कुछ नई सक्सेस यहाँ पर आ रही है, बहुत ही अच्छी सक्सेस यहाँ पर आ रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पर बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते गुड न्यूज़ आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो लोग भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है आपके सोलमेट यहाँ पर आ सकते हैं। कोई ऑफर आपको, कोई करियर ऑफर आपको यहाँ पर रिसीव होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ बदलाव आ रहा है ओवरऑल आपकी लाइफ में। एंड द सन का कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोग काफ़ी प्लेफुल रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं जो भी चीज़ आने वाली है। थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक टफ रहने वाला है, बट एट द एंड ऑफ द वीक आते आते आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।
एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप अच्छी होते हुए एक नया मोड लेते हुए मुझे नज़र आ रही है, एंड जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए रिलेशनशिप यहाँ पर आ रही है। बस आपको यहाँ पर इस हफ्ते अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखे चलना है। और क्या गाइडेंस आ रही है टॉरस राशि के लिए? टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सिस्टर हो डॉक्टर रोज, ब्यूटी डिवोशन प्रिस्टिस मिस्टिक टीचर। यहाँ पर हार्ट चक्र अवेकनिंग है। अपना हार्ट का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, सेल्फ केयर कीजिए एंड बिल्कुल भी डिप्रेशन वाली एनर्जी में मत जाइएगा। एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपके हार्ट चक्र अवेकन होते हैं नज़र आ रहा है। आप लोगों को हार्ट चक्र मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा एंड अपनी ब्यूटी का यहाँ पर किसी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करना है खुद की। ऑल्सो डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अगर आप लोग बहुत ही बोरिंग एनर्जी में आ गए हैं तो आपको अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। प्लेफुल रहना है अपनी लाइफ में। और अगर आप लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट करना आप लोगों को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेन। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो यहाँ पर आपके साथ हैं एंड आपको हेल्प कर रहे हैं, हर तरह से आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आप उनको पुकारेंगे अपनी हेल्प के लिए तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने स्पिरिट गाइड, अपने एंजल्स, जिन भी भगवान में, जिन भी ईश्वर में आप मानते हैं, उनको पुकारिए क्योंकि यहाँ पर हेल्प बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगेन फिर से हमारे पास यहाँ बॉडी का ही मैसेज है। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा तला भुना खा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तला भुना फूड का सेवन यहाँ पर कर रहे थे तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है और अपनी बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखना है और अपने आलस को भी यहाँ दूर रखना है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आलस कर सकते हैं और अपनी पावर को आपको यहाँ पहचानना है। साथ ही आप लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। साथ ही हमारे पास कार्ड है प्रत्याहारा, यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड है। अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और दूसरों की लाइफ के बारे में ही जान रहे थे और अपसेट हो रहे थे उनकी लाइफ को देख देख कर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी लाइफ पर यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों से। वाता का कार्ड है, यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी है। साथ ही मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने गले का किस तरह से ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है एंड अपनी पानी के इंटेक को ज़्यादा कीजिए, वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिए एंड साथ ही गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए और गो विद द फ्लो, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। सो यस टॉरस राशि, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।